पढ़ते हैं पद परिचय। पिछला क्लास में पद परिचय से संबंधित संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण के भेद, परिभाषा आप लोगों को बता दिए थे। आज पद परिचय पढ़ रहे हैं, ठीक है। पद परिचय को पढ़ने से पहले हम जानेंगे पद किसे कहते हैं। तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं, ठीक है। व्याकरणिक दृष्टि से यह पद होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और अव्यय। अब आगे देखिए, वाक्य में आए पदों का विस्तृत व्याकरणिक इकाई में परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। इसको हम व्याकरणिक परिचय भी कह सकते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है कि रेखांकित पदों के व्याकरणिक परिचय दें, तो उस समय आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ही यही है कि हम पद परिचय दें, ठीक है। अब वो व्याकरणिक इकाई क्या है, तो व्याकरणिक इकाई आपका है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और अव्यय। इसको हमने कहा था पिछले क्लास में भी कि आप इसे कम से कम अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, इसका परिभाषा, भेद, धारण अच्छी तरह से, तब पद परिचय में कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। अब देखिए, पद परिचय जो करेंगे ये किन बिंदुओं पर हम विशेष ध्यान देंगे, तो सबसे पहले भेद, ठीक, उसके बाद उपभेद, ठीक है, फिर वचन, उसके बाद लिंग, कारक और अंत में संबंध। संबंध मतलब किसके साथ, क्रिया के साथ, यदि है तो, ठीक है, यदि है तो। अब देखिए, सर्वनाम में बस यही बातें आ जाएंगी, ठीक, भेद, उपभेद, वचन, लिंग, कारक, संबंध, वही बातें आएंगी। एक बात परिवर्तित हो सकता है, सर्वनाम में यदि वे पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इसमें एक बात हो जाएगा पुरुष, ठीक, किस पुरुष में है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, ठीक। अब विशेषण, विशेषण में अब इन दोनों से, संज्ञा सर्वनाम से हट करके विशेषण होते हैं। विशेषण में क्या बातें परिवर्तित हो जाती है, विशेषण का यदि पद परिचय हम देते हैं तो क्या चीज परिवर्तन हो जाता है, भेद, उपभेद, कारक, लिंग, वचन तो होंगे होंगे, संबंध के स्थान पर, क्रिया के साथ संबंध के स्थान पर किस विशेष्य का यह विशेषण है, विशेष्य का विशेषण, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, कहीं कोई कठिनाई नहीं। आगे देखिए, अब आता है क्रिया। जब हम क्रिया का परिचय देते हैं तो क्रिया मतलब ही होता है काम के करने या होने का बोध। तो जब काम हो रहा है तो काम कब हो रहा है, इसके लिए काल, एक बातें इसमें और परिवर्तित हो जाएगा, भेद उपभेद के अतिरिक्त काल, क्योंकि काम यदि हो रहा है तो किस समय, तो काल। दूसरा बात, यदि काम हो रहा है तो कर्ता स्वयं कर रहा है या कर्म का प्रभाव पड़ रहा है या क्रिया का भाव स्वयं पड़ रहा है, इसके आधार पर वाच, ठीक है। और यदि क्रिया है तो इसका धातु क्या है, किस धातु से यह क्रिया बना है, इसलिए ठीक, यहां तक क्लियर है। अब आप देखिए क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में भेद, उपभेद, वचन, लिंग के अतिरिक्त एक बातें परिवर्तित होगी, विशेषण की तरह किस क्रिया विशेष का यह विशेषण है, क्रिया विशेष का, बस ये एक बातें इसमें परिवर्तित हो जाती है, ठीक। अव्यय में कुछ नहीं परिवर्तन, अव्यय में भेद होगा, उपभेद, और यह किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, हाँ, या किस रूप में प्रयोग हुआ है, ये बातें केवल होगी, बस, ठीक। अब हम लोग एक उदाहरण के रूप पर एक वाक्य को लेते हैं, जैसे यहां देखिए, पहले संज्ञा कर लेते हैं, सरला पढ़ती है। सबसे पहले नियम के अनुसार देखेंगे भेद, भेद संज्ञा है, ठीक है। अब उपभेद देखेंगे, यदि संज्ञा, उपभेद किसको कहते हैं, यदि संज्ञा है तो संज्ञा
संज्ञा के भेदों में से किस भेद के अंतर्गत ये आते हैं? तो सरला व्यक्तिवाचक, अब दूसरी बात जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, लिंग, सरला स्त्रीलिंग, वचन एक वचन, कारक कर्ता कारक। अब यहां बताइए क्रिया के साथ संबंध है क्या? क्रिया के साथ संबंध है, है। इसके क्रिया है पढ़ना, यूं लिखेंगे तब इसको, पढ़ना क्रिया का कर्ता, ठीक हो गया। उसी प्रकार सर्वनाम में हो जाएंगे, ठीक है। आप मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में सर्वनाम, वे सब खेल रहे हैं, यहां वे को लेते हैं, वे क्या हो जाएंगे? सर्वनाम तो है ही, कौन से सर्वनाम होंगे उपभेद में? पुरुषवाचन। किस पुरुष में है? वेरी गुड, अन्य पुरुष में। वचन कौन से हैं? बहुवचन, बिल्कुल सही। लिंग कौन से हैं? पुल्लिंग। कारक कौन से हैं? कर्ता कारक, ठीक है। और इसका क्रिया खेलना, ठीक है। अब यहां यहां तक हो गया, स्पष्ट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहां क्रिया में, अब क्रिया को देखिए, क्रिया को जब करेंगे तो क्रिया में क्या करना है? अब यहां देखिए, कर्मचारी बातें कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अब यहां कर रहे थे को करना है, ठीक। कर्मचारी बातें कर रहे थे, हाँ कर रहे थे। सबसे पहले तो भेद लेंगे क्या है, क्रिया। उपभेद में क्या है, कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, है ना, अकर्मक क्रिया, ठीक। आगे का प्रोसेस में हम लोग बढ़ते जाएंगे कि अकर्मक क्रिया वचन का बातें कर रहे थे, मतलब एक वचन में नहीं है, बहुवचन में है, बहुवचन। फिर ली पुली, ठीक। काल भूतकाल, पूर्ण भूतकाल है, है ना, पूर्ण भूतकाल, ठीक। कर धातु वाच, कर धातु और वाच, कर्मचारी कर रहे थे, अकर्मक क्रिया है तो कर्तृवाच, ठीक है, कर्तृवाच, ठीक। और इसके बाद देख लीजिए आगे, इसी तरह से आपका क्रिया विशेषण अव्यय होगा, लेकिन आपको पद परिचय कहीं कोई कठिनाई ना हो और आप अशुद्ध ना करें, गलती ना हो, इसके लिए आपको ये व्याकरणिक पद जो है, इकाई जो है, इनको याद करना होगा और इन नियमों को, कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे, स्मरण रखेंगे, तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। बस अगला क्लास में आएंगे।